राम राम आप सभी को। आज हम आप सभी से परम पूज्य श्री महाराज जी से जुड़ा हुआ एक ऐसा अनुभव शेयर करने जा रहे हैं जिससे आप लोग ये समझ सकते हैं, समझ जाएंगे या मुझे भी समझ में आ गया है, महाराज जी जिससे जुड़ना चाहते हैं, जिसका भला करना चाहते हैं, उसे किस तरीके से अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे एक मित्र हैं लखनऊ के दीपक श्रीवास्तव जी, और प्रिंटिंग का काम है उनका। महाराज जी की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा, कोई भी कार्य होता है, चाहे वृंदावन आश्रम का हो या कैसा हो या हनुमानगढ़ी में, कुछ भी ले जाना हो, पहुंचाना हो, कुछ भी फोटो किताब स्तुति कुछ भी बनता है, वो बड़ा प्यार से और बहुत अच्छी तरीके से सेवा भाव से ही प्रिंट करते हैं। उनके बहनोई हैं रायबरेली में, और उनके मित्र हैं वहीं रायबरेली के। दीपक भैया के जो बहनोई साहब हैं वो परम पूज्य महाराज जी से जुड़े हुए हैं, और वो श्री महाराज जी के आश्रम में जाते रहते हैं, लेकिन उनके जो मित्र थे वो महाराज जी से जुड़े हुए नहीं थे। उनकी पत्नी जो है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, और वो उस समय जब हुआ था तो वो दीपक भैया ने ही उनका यहाँ शायद लखनऊ में इलाज करवाया था। वो यहाँ लखनऊ में आई थी, नहीं इलाज हुआ उनका। उसके बाद उनका इलाज होने के बाद ऐसी स्थिति आ गई कि वो उस पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करने की स्थिति में थी, और जितना भी इलाज हुआ उनका, जितना भी जमा पूंजी थी वो उनकी ख़त्म हो चुकी थी, बाकी उन्होंने भगवान भरोसे पर ही छोड़ दिया था। लेकिन पता नहीं कैसे दीपक भैया को एक आस जगी, और उन्होंने महाराज जी से प्रार्थना की और उनसे कहा कि महाराज जी पे भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। और उन्हें महाराज जी के बारे में सारी चीज़ें बताई। उनके बहनोई जी ने भी अपने मित्र को सारी चीज़ें, महाराज जी की शक्तियाँ उनके बारे में सब भरोसा दिलाया उन्हें, और उनसे कहा कि आप महाराज जी का ध्यान करो, सब सही हो जाएगा। और महाराज जी की कृपा, उन्हें ये सब बताना था तो महाराज जी को उन्हें जोड़ना था, तो उन्हें ये बात उन तक पहुँच गई। दीपक भैया ने मुझे फ़ोन किया, कहा कि पंकज भैया एक एड्रेस देता हूँ अपने घर का, आप मुझे एक फ़ोटो भेज दीजिए, और आपको जो भी लगे कि मजबूत चीज़ की जो हम ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को दे सकते हैं जिससे महाराज जी की कृपा उससे सीधी पहुँचे, तो कोई चीज़ एक उसे भेज दीजिए। ठीक है, मुझे महाराज जी का आदेश समझ, मैंने क्योंकि सभी को फोटो या कुछ न कुछ भेजता ही हूँ, तो महाराज जी का आदेश समझ मैंने एक फ़ोटो और जो मुझे लगा वो चीज़ मैंने भैया को कुरियर कर दी। वो वहाँ पहुँच गई, पहुँचने के बाद मेरे लिए वो बात आई गई होगी, मुझे नहीं पता कि वो भेजने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, न जानकारी ली मैंने, तो महाराज जी की सेवा थी वो पहुंचा दी, पूरा हुआ। उनका जब उनके पास महाराज जी की तस्वीर पहुंची और वो बाबा जी के प्रति इतने समर्पित हो गए, कितना भाव उनके अंदर जाग गया कि उन्हें लगा कि बाबा जी उनके लिए सब कुछ और सर्व समर्थ हैं, तो बाबा जी की कृपा उन पर हुई। 2 साल बाद मुझे पता लगा कि उनका ब्रेस्ट कैंसर तभी सही हो चुका था, आज वो परिवार पूर्णतः स्वस्थ है, संपन्न है और अपना जीवन अच्छी तरीके से बिता रहे हैं। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद दिया मैंने, और मुझे लगा कि चलिए कुछ न कुछ महाराज जी ने हमसे ये सेवा ली जिसकी वजह से एक परिवार में संपन्नता खुशहाली आई, और मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आप सब भी हमसे ये सेवा लेते रहें। जिन लोगों के पास हमारा नंबर नहीं है वो नंबर लें, 7839418188। इस नंबर पर मुझे अपना एड्रेस भेज दें, मैसेज कर दें, मैं आपको महाराज जी की सेवा स्वरूप जो भी संभव होगा वो आपको महाराज जी का प्रसाद स्वरूप, कोई लॉकेट महाराज जी का या की रिंग या फोटो जो भी संभव होगा मैं आपको भेज दूंगा, ताकि आप जब महाराज जी से जुड़े तो आपके द्वारा की हुई प्रार्थना में छोटा सा रूप
हमारी प्रार्थना का शामिल रहे। आप सभी को राम राम, धन्यवाद, जय गुरु।